So students, today we are going to start exercise 7.2. In last class, we have done exercise 7.1, right? 7.2 में अगर बात करें हम first question जो दे रखा है हमें integration करना है 2x upon 1 plus x square dx, ठीक है? इसको मैं i लिख लिया करूंगा. मैंने बोल रहा था लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन को हम i से डिनोट कर सकते हैं. बहुत ही ध्यान से इस मेथड को सब सुनेंगे. इस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है इंटीग्रेशन की, बहुत ध्यान से देखेंगे. मुझे इसमें सब्स्टिट्यूशन से काम करना है, ठीक. इसको मैं किसी को लेट करूंगा ताकि ऊपर वाला न्यूमरेटर बन जाए, कुछ भी बन जाए. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी लेट कर लूंगा और अब करूंगा इसका डिफ्रेंशिएशन, राइट. इसको पुट कर दो या लेट कर लो, एक ही बात है. और इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा मैं जब इस वाली इक्वेशन का, सबको पता है क्या आएगा, 2x. ये देखो मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ एक बार, एक सेकेंड, ताकि तुम्हें पता रहे डिफ्रेंशिएशन मैं कैसे कर रहा हूँ. मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सबको पता है 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और टी का डिफरेंशिएशन विल बी डीटी अपॉन डीएक्स. सो मैं इधर डीएक्स को उधर भेज दूंगा, ये डीटी की वैल्यू आ गई, राइट. अगर मैं इधर से डीएक्स निकालना चाहूं तो वो कितना आ जाएगा, डीटी अपॉन 2x. अब देखो, या अगर तुम्हें वैसे डीएक्स नहीं भी निकालना तो तब भी काम बन जाएगा, कोशिश करो डीटी ही रहने दो, टी के फॉर्म में ही रहने देना, ठीक है, ऐसे ज्यादा सही है. अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें, 2x dx. देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर अपने आप बन गया. सो मेरा इंटीग्रेशन का अपने आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई, बिकॉज जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर वो ये बन चुका है, मतलब 2x dx बन चुका है और उसकी वैल्यू क्या है, dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लेट कर रखा था टी के इक्वल, तो उधर मैं लिख दूंगा टी. सो मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन टी का, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी. और लास्ट में हमें जरूर रिप्लेस करना है, टी का आंसर क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे. जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा होगा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, कुछ वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे. मैं न्यूमरेटर को टी लेट कर लूंगा, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं न्यूमरेटर को टी लेट करता हूँ और उसका अगर डिफरेंशिएट किया तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बन रहा है, मुझे ऐसा ही कुछ करना है. सो मैंने जैसे उसको टी लेट करके डिफरेंशिएट किया तो आया 2x इक्वल टू dt अपॉन dx. सो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने dx को उधर ले गया, तो जो 2x dx बन गया, किसकी वैल्यू, dt की. और मैं देख रहा हूँ जो मेरा क्वेश्चन का न्यूमरेटर है वो तो यही है कि 2x dx, और 2x dx किसके इक्वल है, मेरे यहाँ से dt के इक्वल. सो मैंने उसकी जगह dt रख दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को तो मैं लेट कर चुका हूँ t, तो मैंने उसकी जगह t रख दिया. तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन t dt. तो मैंने 1 अपॉन t क्या है मेरा, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का होता है log, जैसे 1 अपॉन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x. तो उसी तरीके से मैंने 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कर दिया, दैट इज log t. और लास्ट में मुझे उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लेट कर दी, उसको रिप्लेस जरूर करना है. t की वैल्यू थी 1 plus x square, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इट इज log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये इंटीग्रेशन दे रखा है हमें, ध्यान से समझेंगे सब. अब इसको कैसे करना है, अब इसमें देखो, मैं अब इसमें x को अगर लेट करता हूँ t, तो x को लेट करने का कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 है, कुछ भी फायदा नहीं है. तो मैंने देखा अगर मैं न्यूमरेटर को t लेट कर लूं, अगर मैं log x को t ले लेता हूँ, सो मेरा हाँ डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे पता है क्या आएगा, dx अपॉन x इक्वल टू dt, ठीक है. वैसे देखो ये आएगा, log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाय x, और t का करोगे तो dt अपॉन dx. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया dx अपॉन x इक्वल टू dt, राइट. इससे मुझे dx अपॉन x इक्वल टू dt मिल गया, और यहाँ से मेरा क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज यहाँ से देखो log x को तो मैंने t लेट कर लिया, तो ये t स्क्वायर हो गया, और dx अपॉन x ये किसके इक्वल है, इधर से देखो dt के इक्वल है.
यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा टी स्क्वायर को, इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू जरूर लास्ट में चेंज करनी है, दैट विल बी लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। आई रिपीट अगेन, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग के क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर दूंगा ताकि तुम्हारा बेस अच्छे से बन जाए, कि हमें अगर x को t लेट करता तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता, मुझे ऐसी चीज को लेट करना है जिससे ऊपर नीचे कुछ मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकूं। सो मैंने log x को t लेट कर लिया, जैसे ही मैं log x को t लेट करूंगा उसकी वजह से डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसकी वजह से dx अपॉन x आ जाएगा, और वो ये रहा, और dx अपॉन x की वैल्यू क्या है dt, तो मैंने उसको dt रख दिया। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है किसका, t स्क्वायर का, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाय 3। जैसे अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी विल से एक्स क्यूब बाय 3, उसी तरीके से टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, और टी की वैल्यू मैंने लास्ट में रिप्लेस जरूर करनी है जो मैंने लेट करी थी। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन है dx अपॉन x प्लस x log x, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्म कर लूंगा, पहले तो x कॉमन ले लूंगा, ठीक है, ताकि अब मैं कुछ सोचूं कि किसको t लेट करना है। देखो x को तो मैं कर ही नहीं सकता t लेट ना, इलॉजिकल है, तो बचा क्या 1 प्लस log x, तो मैंने लिख लिया पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएट करो log x का 1 बाय x, t का dt बाय dx, मुझे तो dt की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये आ गई। अब देखो कैसे इसको फ्रेम कर सकता हूं मैं, dx अपॉन x, ये देखो dx अपॉन x ये किसके इक्वल है dt के, और नीचे 1 प्लस log x किसके इक्वल है t के, सो ये क्या आ गया dt अपॉन t, मतलब 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, जैसे 1 अपॉन x का log x तो 1 अपॉन t का log t प्लस c, राइट। अब log जो t की वैल्यू मुझे रिप्लेस भी करनी होगी, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, तो इसको जरूर रिप्लेस करेंगे एक से। This is your final answer, right? दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में कि हमें लेट उसी चीज को करना है जिससे मैं क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर सकूं। तो मैंने 1 प्लस log x को जैसे लेट किया तो dx upon x dt के इक्वल आ गया, मैं देख रहा हूँ मुझे क्वेश्चन में dx upon x है, तो जो मैं dx upon x है उसको मैं dt के इक्वल लिख सकता हूँ, इसका मतलब मेरा हेल्प हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कोस एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, dx जरूर लगाएंगे हर इंटीग्रेशन के आगे, देखो dx हमें अपनी साइड से जरूर लगाना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखें, मैं इसमें देखो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो मैंने कोस एक्स को टी लेट किया बिकॉज मुझे पता है अगर मैं कोस एक्स को टी लेट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कोस का होगा साइन एक्स dx equals to dt, और मैं यहाँ पे देखो sin x और dx की वैल्यू dt लिख सकता हूँ, तो sin x dx, sin x dx को मैं क्या लिख लूंगा इस इक्वेशन से माइनस dt, तो माइनस dt, और ये क्या बन गया sin, और cos x को तो मैंने चेंज कर ही लिया था t में, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, देखो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज माइनस cos प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और टी को मैं क्या लिख रहा हूँ कोस एक्स, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं साइन एक्स को भी टी लेट कर सकता था, लेकिन साइन एक्स को अगर मैं टी लेट करता तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस होता है, मेरे क्वेश्चन में कोस नहीं है, ध्यान से सुन लो कोस नहीं है बिकॉज वो साइन का एंगल है, कोस अलग से कोस नहीं है, सबको पता होना चाहिए साइन कोस एक्स का मतलब ये नहीं है अलग अलग है कि साइन अलग है कोस एक्स अलग है, ये नहीं है, इसलिए मैं साइन को टी लेट नहीं कर सकता, इट इज इलॉजिकल टू लेट इट, ठीक है। अगर मैं कोस एक्स को टी लेट करता तो हाँ उसका डिफरेंशिएशन साइन बनेगा और उसकी वजह से मैं साइन एक्स डी एक्स को डी टी लिख पाऊंगा, और जो ये बचेगा इसको मैं साइन का साइन उतरा कोस एक्स की जगह मैंने इसका क्वेश्चन जो था वो उतार लूंगा, इंटीग्रेशन तो सबको पता ही है, लर्न करना है फॉर्मूला साइन का माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो टी की वैल्यू आएगी वो रिप्लेस जरूर करनी है।
क्वेश्चन नंबर 5, इट इज क्वेश्चन आई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, अब साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी मेरे को पता है एंगल का भी करना पड़ेगा मुझे, ए एक्स प्लस बी का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा इट विल बी ए ओनली, क्योंकि बी तो जीरो हो जाएगा, और साथ में डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और मेरे को दिख रहा है हाँ मैंने बिल्कुल सही चीज लेट करी है। वैसे मैं कोस को भी लेट करता तब भी आंसर आ जाता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अगर साइन को भी करी है बिल्कुल सही की है, क्योंकि ये टर्म यहाँ पर बन रही है, हमें टर्म से ही मतलब है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको तो मैंने टी लेट कर ही लिया है, ठीक है, और कोस इसकी वैल्यू देखो मेरे को ये रही, ये क्या आ रही है इधर से डी टी अपॉन ए आएगा, बिकॉज ए यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इधर से मैंने कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू निकाली, दैट इज डी टी अपॉन ए। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो यहाँ से बहुत आसानी से मिल रही है डी टी अपॉन ए, राइट। सो देखो हमने जो हमारा ये क्वेश्चन आया, अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है, वन अपॉन ए कौन बाहर आ जाएगा, बचा टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, तो करना ही करना है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू ए, और टी टी क्या था मेरा ये, सो मुझे यहाँ पे लिखना है साइन इसका स्क्वायर प्लस सी, तो दिस इज माई फाइनल आंसर, राइट। इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता था, ये भी सही है, अगर दूसरा मेथड अगर जानना है तो एक बार वो देख लेते हैं कैसे कर सकते हो तुम। क्वेश्चन था साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका दूसरा मेथड है कि तुम फॉर्मूला लगा दो टू साइन टू ए टू साइन ए कॉस बी वाला, तो मतलब इसको टू बनाने के लिए पहले मुझे टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन सकता है टू साइन ए कॉस ए, That is sin 2a. सबको याद होगा sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x. So half integration, ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का, sin into 2 into x. x मतलब जो एंगल है हमारा. Sin का अगर मैं different integration करूंगा डायरेक्ट तो वो होगा माइनस cos, पहले एंगल आएगा, फिर एंगल का जो करते हैं उसमें नीचे आता है, तो 2ax plus 2b. इसका अगर मैं करूंगा तो इस 2a हो जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन में नीचे ला रहे होते हैं, सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर एक तरह से, राइट। इसको सॉल्व कर लो, इट इज माइनस 1 बाय 4a cos 2ax plus 2b plus c, ऐसे भी किया जा सकता है, तुम जो आंसर तो लगा रहा है, देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैथड जो चूज करोगे उस हिसाब से आएगा, ठीक है, ऐसे भी तुम कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है ये भी, इसमें डायरेक्ट आपने आइडेंटिटी लगा दी है, बस इतना सा फर्क आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 तो डायरेक्ट ही है, इंटीग्रेशन करना है हमें, एक सेकंड, एक्स प्लस बी का, अब एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको मैं इसमें तो कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मुझे पता है, डायरेक्ट लगा सकता हूँ पावर को, जो रूट मतलब पावर हाफ है यहाँ पर, राइट। मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानता हूँ करना कैसे, मेरे को फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर एन वाला, क्या होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, लेकिन मुझे पता है जो अंदर बचता है ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ए आएगा, उसी का मुझे जो कांस्टेंट आता है उसको नीचे जरूर लगाना होता है, राइट। तो इसको बस आंसर आ जाएगा प्लस सी करना है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। अब कहीं स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है इधर 2 क्यों आया है, तो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में एक्सरसाइज 7.1 में बता चुका हूं कि अगर मुझे 2x plus 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 2x plus 1 का स्क्वायर अपॉन 2 तो होगा ही होगा, लेकिन जो 2x का अगर करूंगा तो डिफरेंशिएशन 2 आएगा, और जो 2 इज अ कांस्टेंट उस चीज को मुझे नीचे लगाना ही पड़ता है,
तो ये गलती कभी भी मत करना, ये गलती पूरे मार्क्स खत्म कर देगी, राइट। इस गलती को कोई भी नहीं करेगा। यू हैव टू अवॉइड, कॉन्स्टेंट जरूर नीचे लिखना ही लिखना है, बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ 2x का डिफरेंशिएशन 2 है, ठीक है, अगर तुम 2 नहीं लगाओगे तो मार्क्स वहां पे भी कटते थे, तो इंटीग्रेशन में नीचे कॉन्स्टेंट नहीं आएगा तो कटेंगे कटेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज एक्स रूट एक्स प्लस 2 डीएक्स। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे सभी से। इसमें हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी होगी। ट्रिक इज बाहर जो एक्स है उसमें प्लस 2 माइनस 2 कर दो। बिल्कुल कर सकता हूँ, मैथ्स है, मैथ्स में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड अगर 2 से कर सकते हैं तो प्लस माइनस 2 से बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये करने से फर्क बस फायदा ये होगा, एक सेकंड, ये देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ, एक सेकेंड, मैं कह रहा था, अब देखो इसको मैं ऐसे कैसे लिख पा रहा था, ये रूट बाहर आ रहा है, इसको तुम्हें पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया। एक्स प्लस 2 जो रूट है इसको मैं पहले लिख देता हूँ एक्स की प्लस 2 की पावर हाफ। अब ये इसको मैं पूरे अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पर ध्यान रखूंगा इसको मैं एक ब्रैकेट मानूंगा, इसे एक ब्रैकेट मान के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, देखो एक्स प्लस 2 की एक पावर तो ऑलरेडी अंदर है ही, और एक हाफ और अंदर आ जाएगी, तो 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी पावर 3/2। माइनस 2 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम रहेगा, कुछ भी फर्क ऐसा नहीं आएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन पावर प्लस हो जाएंगी 5/2, और नीचे भी 5/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी +1 करना है, इधर भी +1, और ये प्लस सी तो आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें हमने +-2 किया है, क्योंकि हमें पता है मैथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई अगर 2 से कर सकते हैं तो प्लस माइनस भी 2 कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं +-5 कर देता, राइट। इससे क्या हुआ, इसको मैं एक ब्रैकेट मान लूंगा, इसे एक ब्रैकेट मान के अंदर अंदर इसकी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज अगर मैं बोलूँ 5x+5 और बाहर बोलूँ 2x है, तो तुम क्या करोगे, इसको 2x से मल्टीप्लाई ही तो करोगे सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। सेम चीज मैंने जो बाहर चीज चीज को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे, दोनों से कर दिया, और दोनों से टर्म आ गई, थोड़ा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं ले आया। अब उसे मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया अपना, एक्स की पावर एन वाला, एक्स n+1/n+1, एंड आई गॉट द फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्स अंडर रूट 1 + 2x² जी इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है। अब मैं इसमें एक, इसमें मेरे को साफ साफ देख रहा है, अगर मैं पुट करता हूं 1 + 2x² = t, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2x² = t². अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इट विल बी 4x dx = 2t dt, राइट। इधर से मैं इसको सॉल्व किया तो इट विल कम 2x dx = t dt, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, मुझे पता है मैंने इसको तो t लेट कर लिया है, लेकिन x और dx की वैल्यू चाहिए, तो मैंने x dx यहां से निकाल ली, t/2 dt, ये बन गया क्वेश्चन t²/2 dt, हाफ तो कॉन्स्टेंट है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इट विल बी t³/3 + c। इसको सॉल्व कर देंगे, अब t की वैल्यू क्या है हमारी, ये तो मेरे को यहाँ पे फाइनल में यही पुट करनी होगी, 1 + 2x² की पावर देखो हाफ है, और साथ में यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो 3/2 हो जाएगा प्लस c, ऊपर तो देखो सेम ही आएगा, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 = 6, राइट। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुने, इधर मैं इसको लेट करूंगा अगर t, तो
तो मुझे पता है अगर मैं 2x को डिलीट करूंगा तो 4x dx इसका डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। उससे इतना हेल्प मिलेगी मुझे कि जो मेरी बाकी की रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि x dx की वैल्यू आ जाएगी, वो मैंने पुट कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि फिर इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, तुम कर खुद करके देख लो। x प्लस 2 को अगर तुम डिलीट करोगे तो डिफरेंशिएशन 1 आएगा, या खाली x को करोगे तब भी बनाएगा, तो इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं लग पाएगी। सो इसीलिए हमने उसको उस तरीके से नहीं किया। इस क्वेश्चन में चीज लग पा रही थी बिकॉज अंदर की टर्म अगर हम इसको लेट कर रहा हूँ तो मेरे को बाकी की टर्म्स मिल रही है, हमें ऐसी ही चीज को करना होता है। जैसे मैंने किया तो ये टी बाय टू आया, बस सब्सिट्यूट कर दिया उसकी वैल्यू की जगह। ध्यान रखना है बिल्कुल एक्स डीएक्स की वैल्यू है, तो एक्स और डीएक्स की वैल्यू को मैंने टी बाय टू रखा, इसको तो मैंने टी लेट ही किया था, और साथ में डी टी आया। क्यों? क्योंकि एक्स डीएक्स की वैल्यू है टी बाय टू डी टी, टी इंटू टू क्या हो गया टी स्क्वायर, एंड फाइनल तो फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसमें क्या लेट करूं कि मेरा बाहर वाला टर्म बन जाए। ठीक है, मैंने देखा कि ऑब्वियसली चीजें मैं रूट वाली टर्म अगर लेट करता हूँ, मैंने लिखा पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, तो इससे क्या आएगा, पहले तो स्क्वेयरिंग कर लूंगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने से पहले। स्क्वेयरिंग करने के बाद अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन लेता हूँ, इट विल कम 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल्स टू 2t dt। सो मैंने देखा कि मुझे तो 4x प्लस 2 चाहिए है, इधर तो 2x प्लस 1 आ रहा है, ये तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 2x प्लस 1, राइट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो चीज है वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, राइट? लेकिन dx की वैल्यू क्या है, अभी मैंने वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ। देखो ध्यान से दोबारा से समझे इस चीज को, मेरे को अभी वैल्यू डालनी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि 2 कॉमन लूंगा तो देखो एक क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे। देखो मैंने कुछ किया नहीं, मैं 2 कॉमन लिया नहीं, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं। उससे बस मुझे इतनी सी हेल्प मिलेगी कि जो 2x plus 1 dx की वैल्यू है, देखो 2x plus 1 dx की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2t dt। और इसका ये रूट वाला किसके इक्वल है, t के, तो 2t आ जाएंगे, दैट इज 2t स्क्वायर। तो 2t जब 4 हो जाएगा, मुझे इंटीग्रेशन करना है t स्क्वायर का, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाय 3 प्लस c। तो t की वैल्यू जो थी क्वेश्चन में मुझे वो रिप्लेस करनी होगी, राइट? 3 बाय 2 ही आ जाएगी, बिकॉज इसका मतलब हाफ है और हाफ के साथ मैं 3 लगा रहा हूँ, तो 3 बाय 2 आ जाएगा अपॉन 3 प्लस सी, राइट? ध्यान बहुत अच्छे से लेट के कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, अगर वही गलत होगा तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, राइट? सो एक चीज और साथ में ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन तुमने बनाया है इसमें खाली एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कहीं कहीं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें एक्स भी है टी भी है, कहते हैं आंसर तो आ गया सही, 0 मिलेगा, अदर नंबर भी एक्सपेक्ट मत करना मुझसे तो खासकर, ठीक है? इट विल बी ऑफ नो यूज। हम इसको ऐसे रिप्लेस ही इसी कारण करें ताकि एक वेरिएबल में आ जाए और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। हम इतने बड़ी चीज का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं है एज सच, ठीक है? और इतना बड़ा करना चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं है जो एक सेकंड में आ जाए आंसर, राइट? सो हमने इसको टी लेट करके जो आंसर आया है उसको बनाने की कोशिश करनी है अपने क्वेश्चन को देखते हुए कि वो बन रहा है या नहीं। मैंने देखा इस क्वेश्चन में बहुत इजीली बन रहा है, लेकिन बस 2 कॉमन लेना है, मैं 2 कॉमन ले लिया, बाद में तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, फर्क नहीं पड़ा इसे आंसर, ओके? नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर रूट एक्स को एक सेकंड रूट एक्स को अगर मैंने पुट करा टी के इक्वल, तो पहले तो स्क्वेयरिंग कर लूंगा। अब मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आएगा डी एक्स इक्वल टू 2t dt। यार एक चीज याद रखना, ये मैं इसको इधर ही ले जाता हूँ, वैसे असली में अपॉन dt आता है, तो वो स्टेप मैं एक स्किप कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, ऑब्वियसली चीजें इतना तो हम मैच्योर हैं, ठीक है? dx की वैल्यू 2t dt आ गई है। सो मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में बन पाएगी मेरी वैल्यू, सो देखते हैं। सो dx की वैल्यू 1 dx की वैल्यू क्या आ रही है, 2t dt अपॉन x की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर माइनस रूट एक्स की क्या है, t। ये क्वेश्चन बन गया,
मैंने कहा बिल्कुल सही बना है क्वेश्चन, बिकॉज नीचे से टी कॉमन आ सकता है भाई, जैसे ही नीचे से मैंने टी कॉमन लिया तो ऊपर से ऊपर कट गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा राइट। क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया डी टी अपॉन वन माइनस टी। अब मुझे पता है अगर मैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो उसी तरीके से अगर मैं वन अपॉन वन माइनस टी का कर रहा हूँ तो इट विल बी लॉग वन माइनस टी, क्योंकि वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है इंटीग्रेशन। सो इधर एक्स हमारा वन माइनस टी के इक्वल है तो मैंने वन माइनस टी लगा दिया प्लस सी। सी जरूर करना है, कॉन्स्टेंट को नहीं भूलना। लास्ट में मैंने एक चीज बताई थी कि जो अंदर हम वैल्यू लेट कर रहे हैं उसको हमें रिप्लेस भी जरूर साथ में करना है। सो तुम क्या होगे, टी की वैल्यू रूट एक्स है एंड यू विल लीव दिस सॉल्यूशन, क्या हो गया आंसर आ गया, और आंसर नहीं आया है मार्क्स कट जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं x माइनस वन का डिफरेंशिएशन, बड़ी फटाफट सब बोलेंगे वन, लेकिन वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन नहीं होता माइनस वन होता है, तो माइनस का फर्क हमारे क्वेश्चन में पड़ेगा ही पड़ेगा। सो इसीलिए मतलब यहाँ पे माइनस वन माइनस टी है, इसका मतलब असली में एक सेकेंड यहाँ से रख कर देता, इसका मतलब हुआ है क्वेश्चन जो हमारा इसके पास स्टेप आएगा वो आएगा टू लॉग t माइनस वन प्लस सी, दैट इज टू लॉग t की वैल्यू क्या है रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। आई रिपीट अगेन दिस थिंग, हमने ऐसा क्यों किया है इस चीज को ध्यान रखना है, अगर मैं वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस वन आता है भाई, और माइनस का इफेक्ट क्वेश्चन में पड़ता है। सो यहाँ पर भी वन माइनस टी लॉग एक्स तो आ रहा है, लेकिन वन माइनस टी मैं नहीं लिख सकता बिकॉज मुझे वन माइनस टी का दोबारा भी तो करना है, अगर ये टी माइनस वन होता तो मेरे को दोबारा नहीं करना पड़ता, मेरे को पता है वो वन आएगा कॉन्स्टेंट, लेकिन ये वन माइनस टी है और मेरे क्वेश्चन को आंसर में फर्क दे देगा बिकॉज ये माइनस की गलती है, प्लस की गलती नहीं है, प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो माइनस का है तो मुझे इसको उल्टा माइनस ले लिया बस मैंने अंदर, और ये मैंने अंदर इसका साइन चेंज कर दिया, ये टी माइनस वन बन गया, टी की वैल्यू रिप्लेस कर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस फोर डी एक्स। ये ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, ये x है नीचे वाला मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इट इज x प्लस फोर। ओके हाँ, सो अब इस क्वेश्चन में भी ये चीज है साथ में रूट भी है, अगर मैं किसी को भी लेट करूंगा x प्लस फोर को करूं या x को करूं नहीं बात बनेगी, डिफरेंशिएशन नहीं आ सकता। सो मैंने सोचा अगर मैं इसमें भी वही वाला कंसेप्ट लगाऊं जो अभी मैंने प्लस टू माइनस टू किया था उससे आंसर इजीली आ सकता है, तो मैंने क्या किया ऊपर प्लस फोर माइनस फोर कर दिया नीचे वाले को देखते हुए, वहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया था अंदर अंदर, यहाँ पे सेपरेशन कर दूंगा, ऑब्वियस सी चीजें ऐसी करते हैं, सेपरेट कर दूंगा इसे अलग अलग। अब इससे क्या होगा, तो ये चीज है देखो सबको पता है, अगर मैं बोल रहा हूँ टू अपॉन रूट टू सब बताएंगे आंसर रूट टू, क्लास नाइन्थ में पढ़ते थे, एक्स अपॉन रूट एक्स इट इज रूट एक्स, इसको नहीं आता रैशनलाइज कर लो ठीक है, ये ट्वेल्थ कंसेप्ट ट्वेल्थ क्लास की चीज नहीं है जो मैं तुम्हें सिखाने बैठूंगा। तो इस चीज का डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा रूट एक्स प्लस फोर ठीक है, ब्रैकेट में तब भी मैंने बता दिया इस कंसेप्ट से आया रूट एक्स प्लस फोर का माइनस फोर कॉन्स्टेंट, इधर क्या बचेगा वन अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस फोर, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक्स प्लस फोर की पावर माइनस हाफ, बिकॉज रूट का पावर रूट का मतलब होता है हाफ, और नीचे है तो ऊपर आएगी तो वो माइनस हाफ हो जाएगी, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे होगा इंटीग्रेशन, जो एक्स प्लस फोर की पावर हाफ थी रूट था तो उसको मैंने लिख दिया एक्स प्लस फोर की पावर हाफ माइनस फोर एक्स प्लस फोर की पावर माइनस हाफ डी एक्स, अब दोनों का अलग अलग मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो पहले वाली टर्म का अगर मैंने किया तो मुझे पता है वो क्या आएगा हाफ है, फॉर्मूला लगेगा प्लस हाफ प्लस वन और नीचे भी प्लस वन, और एक्स प्लस फोर का करूंगा तो वन ही आता है इसलिए मैंने लिख नहीं रहा माइनस फोर, एक्स प्लस फोर की पावर माइनस हाफ का करना है इसमें प्लस वन करना पड़ेगा, हाफ में प्लस वन करोगे तो हाफ ही बचेगा, नीचे भी सेम चीज आती है प्लस सी करना ही करना है। अब ये टू है ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है राइट, और ये भी टू ऊपर आ जाएगा तो फोर टू जा एट बन जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर ओनली, बाकी तुम रिप्लेस करना चाहो तो हल्का हल्का रिप्लेस तो करने की जरूरत, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस फोर प्लस सिक्स, यहाँ पे भी छोड़ दोगे कोई मार्क्स नहीं कट रहे, दिस इज द फाइनल आंसर।
राइट। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 देन एक्स की पावर 5 dx। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें अब हम क्या करेंगे, मैं इधर x की पावर 3 माइनस 1 इसको डिलीट कर लूंगा तो डिफरेंशिएशन आएगा 3x² dx इज इक्वल्स टू dt, राइट। और मैं अगर x² dx की वैल्यू निकालू तो वो हो जाएगी dt अपॉन 3। सो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये 3 है याद रखना, इसको मैंने डिलीट किया है तो ये हो जाएगा t की पावर 1/3 और x की पावर 5 की अगर मैं बात करूं, मुझे x की पावर 5 चाहिए, ठीक है। x स्क्वायर, देखो यहाँ x की पावर 5 को मैं दो में ब्रेक कर सकता हूँ, एक हो गया x स्क्वायर और x 3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे x² dx की वैल्यू गिवन है, दैट इज dt अपॉन 3, वो तो आएगा ही आएगा, बट बच क्या गया x क्यूब, तो x क्यूब मुझे बच गया। मैं यहाँ पे x क्यूब नहीं लिख सकता जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये स्टूडेंट गलती करेंगे और सॉल्व करने बैठ जाएंगे, यहाँ मैं x क्यूब नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू सोचनी है, तो मैंने देखा इस क्वेश्चन जो मैंने लेट किया उसी से सोचनी पड़ेगी कि x क्यूब की क्या वैल्यू हो सकती है। सो x क्यूब की वैल्यू वहां से आ रही है t प्लस 1, तो मैं यहाँ x क्यूब नहीं लिखूंगा गलती से भी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट t प्लस 1 ही लिखूंगा, राइट। अब मैं इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो t की पावर 1/3 जब t से मल्टीप्लाई होगी, देखो t की पावर 1/3 इंटू t की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो देगा 4/3 प्लस, और t की पावर 1/3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो तो वही रहेगा dt, अब 3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन प्लस सी तो आएगा ही आएगा, t की पावर 4/3 का करूंगा तो प्लस 1 करना है ऊपर और नीचे भी सेम, ऐसे इधर 1/3 में प्लस 1 करूंगा तो 2/3 है, ठीक है। दिस इज ओनली द फाइनल आंसर, अगर चाहो तो 3 को बस ऊपर ऊपर ले जाना, जब ऊपर लेके जाओगे तो इस 3 से कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 7/3, 2/3, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। मैं ये चीज दोबारा बता देता हूँ कि x की पावर 5 को हम x² into x³ क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इसकी वजह से मेरा x की पावर 5 dx की वैल्यू नहीं मिल पा रही मेरे को, बट x square की मिल पा रही है। तो अगर मैं x square की वैल्यू अलग कर रहा हूँ तो x की पावर 5 में से मैं अलग कर रहा हूँ, तो बचा क्या, x की पावर 3 बचा, तो x की पावर 3 की वैल्यू मुझे सोचनी पड़ेगी, वो यहाँ से ही आएगी और कहीं से आ ही नहीं सकती, जो हम पुट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, अब बेसिकली हम पुट यूज करते हैं, बट जो हम पुट कर रहे हैं वहीं से आने वाले, तो x की क्यूब माइनस 1 होकर उधर चला जाएगा, तो ये मेरे को आंसर दे सकता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, x² upon 2 + 3x³ की पावर 3 इंटू डी एक्स। मैं इधर सोचूं कि क्या कर सकता हूं, मैं अगर मैं नीचे वाले को टी लेट कर लूं तो अपने आप ऊपर वाला बन सकता है, खाली इतना लेट करूंगा मैं, तो इसका करो डिफरेंशिएशन, 3 × 3 = 9, डिफरेंशिएशन सबको आता ही है, और देखो मुझे ऊपर न्यूमरेटर में किसकी वैल्यू चाहिए, x² dx की, तो डायरेक्ट आ रही है, क्या आ रही है वो dt upon 9, तो मेरा क्वेश्चन बन गया x² dx की वैल्यू तो मुझे मिल गई dt upon 9, और इसकी नीचे वाला जो था वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाले की वैल्यू 2 है और साथ में हो जाएगा q, 1/9 कांस्टेंट है, t की पावर 3 नीचे है ऊपर आएगी तो t की पावर -3 हो जाएगी, और मुझे बस इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, नीचे तो 9 रहेगा प्लस c तो आएगा ही आएगा, t की पावर -3 का अगर मैं करूंगा तो सबको पता है कि प्लस 1 और नीचे भी प्लस 1, तो क्या आएगा -2 upon -2, सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस रफ में सॉल्व कर दिया, इट विल बी -2 upon -2, सो इट विल बी 1/8 - 18t² + c, ठीक है, 9 × 2 = 18 हो गया, तो t की पावर -2 ऊपर थी उसको मैं बस नीचे ले आया हूँ, और ध्यान रखना है कि जो ये t आया है मुझे उसे रिप्लेस भी करना होगा, रिप्लेस किससे होगा, t की वैल्यू ये रही, इससे बस मैं रिप्लेस कर दूंगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नीचे जो पावर थी उसको पावर ना लेते खाली जो अंदर ब्रैकेट में था उसे मैंने t लेट कर लिया, टी लेट करने से क्या हुआ, जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो x² dx की वैल्यू dt हो गई, अब
अपॉन 9, मतलब मुझे ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू मिल पा रही है। अगर मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू मिल पा रही है तो मेरा तो काम बन गया वहीं से, मुझे तो वही चाहिए था एग्जैक्टली। सो एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू मैंने डीटी अपॉन 9 लिख दी, और नीचे वाला जो था उसको तो मैं टी नेट कर ही चुका था, तो टी की पावर क्यूब हो जाएगा, दैट इज टी क्यूब। इसको करने के लिए टी की पावर क्यूब को मैं ऊपर ले जाऊंगा, दैट विल बी टी की पावर -3, और मैं इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो मैंने ये वही लगाया, राइट। लगाने के बाद लास्ट में मुझे ध्यान रखना है, जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो मुझे टी की फॉर्म में नहीं छोड़ना है कभी भी, आंसर एक्स की फॉर्म में ही होना चाहिए। सो मैंने जो टी की वैल्यू को लेट किया था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमें आई दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर एम। अब बहुत इजी है, इसमें तो सोचना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स को तो कर ही नहीं सकते, तो बचा क्या, लॉग एक्स को लेट कर लेते हैं अगर हम टी। सबको पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स और टी का डीटी अपॉन डीएक्स। इधर से मैं क्वेश्चन साथ में dx जरूर लिखेंगे, तो इधर से dx अपॉन x आ जाएगा dt की वैल्यू, और क्वेश्चन में अगर तुम देख रहे हो तो dx अपॉन x ये रहा, इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, रिप्लेस कर दिया, सब्सिट्यूट बोला है, तभी मैंने इस मेथड को सब्सिट्यूशन यूज किया था। और log x क्या था, t के इक्वल t की पावर m, और t की पावर m देखो ये पीछे वाला कंसेप्ट बन गया, जैसे t की पावर यही आ गया था देखो नीचे क्यूब आ गया था, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ऊपर ले आएंगे पावर को और फिर क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए प्लस वन और नीचे भी प्लस वन, यही फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का। सो यू गेट दिस फॉर्मूला, और टी को जरूर रिप्लेस लास्ट में करना है, दैट इज लॉग एक्स वन माइनस एम अपॉन वन माइनस एम प्लस सी। मैं वन माइनस एम क्यों लिखा, बिकॉज माइनस एम प्लस वन लिखूं या वन माइनस एम लिखूं बात तो एक ही होती है। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 तो बहुत ईजी था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इट इज ऑल्सो एक्स अपॉन 9 माइनस 4x2 dx। ओके, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखें, इसमें मैं नीचे वाले को अगर पुट करता हूँ टी के और मुझे पता है मेरा तब भी काम बन जाएगा, बिकॉज 9 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा इट विल बी -8x dx = dt। और मुझे ऊपर न्यूमरेटर में x dx की वैल्यू तो चाहिए ही है, वो क्या आ रही है dt अपॉन -8। तो मैं ऊपर जो क्वेश्चन था x dx न्यूमरेटर की जगह तो मेरे को वैल्यू मिल गई dt अपॉन -8, लेकिन 9 माइनस 4x² की वैल्यू क्या आ रही है, तो रही टी नेट किया था, तो -1/8 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा dt अपॉन t। नीचे अब कहीं बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, टी को ना ऊपर लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना, इस टी को ऊपर लेके जाएंगे, कहेंगे टी की पावर -1 और फॉर्मूला लगाएंगे अपना ये वाला, ठीक है, पावर प्लस, और उनको यही नहीं पता जब वो सॉल्व कर रहे होंगे टी की पावर 0 बन जाएगी, वो आंसर लिख के छोड़ आएंगे, कहेंगे हमारे बोर्ड में 100 आ रहे हैं, जब पता चलेगा कि बोर्ड में तो 96 आए, 4 नंबर का क्वेश्चन था 0 हो गया, बिकॉज उन्होंने गलती कर दी थी यहाँ पर। यहाँ पर जब भी 1 अपॉन टी में हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बिकॉज पावर 0 हो रही है, इसीलिए हमें लॉग वाला फॉर्मूला पता है, तभी तो लॉग का फॉर्मूला बना था कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा 1 बाय टी का, इट इज लॉग टी, मोड के साथ आता है -1/8 लॉग टी की वैल्यू जो हमने लेट करी थी उसे जरूर रिप्लेस करेंगे लास्ट स्टेप में हम, एंड वी विल गेट दिस फाइनल आंसर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन करना है हमें e की पावर 2x प्लस 3 का। इट इज सिंपल ओनली, क्योंकि हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे मुझे अगर इसका करना है तो मेरे को कोई फॉर्मूला रूल वूल कुछ नहीं लगाना, e की पावर 2x प्लस 3 का वो तो आएगा ही आएगा, प्लस c भी आएगा, लेकिन मुझे पता है अगर e की पावर 2x होता तो मेरा आंसर e की पावर 2x अपॉन 2 होता, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंट का भी डिवाइड करता, तो यहाँ पर मैं अगर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा, इधर इंटीग्रेशन नहीं करते, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन ही करेंगे, वो 2 आएगा, उस 2 कॉन्स्टेंट अगर डिफरेंशिएशन के केस में होता तो मल्टीप्लाई के साथ लगाते, लेकिन ये इंटीग्रेशन के केस में तो इधर अपॉन में 2 लगेगा। दिस इज द फाइनल आंसर।